हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन मैथ क्लास। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 3.3 पार्ट 2। सो इन द लास्ट वीडियो वी विल ऑलरेडी डिस्कस एक्सरसाइज 3.2 पार्ट 1। इन दिस दैट वीडियो वी विल डिस्कस अप्रॉक्स 6 क्वेश्चन। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 7। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7, जस्ट लुक एट हियर। इज गिवन दैट फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है जो नंबर गिवन है। फर्स्ट नंबर गिवन है बच्चों 7 का, फर्स्ट अगर देखा जाए तो क्या गिवन है, 25, 00, 47। अब इसका आपको क्या फाइंड करना है, तो बच्चों इसका फाइंड करना है क्यूब रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो क्यूब रूट फाइंड करने के कई मेथड मैंने आपको बताया थे, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। दो मेथड जो मेन थे वो हमें देखना है। तो एक मेथड ये था हमारा कि आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से फैक्टर करोगे, उसके बाद पेयर बना के सॉल्व करोगे। दूसरा मेथड क्या था कि आप देखोगे लास्ट वाला डिजिट, अगर ये 6 डिजिट का है तो ठीक है, कितना ये याद रखना है, जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो कहां अप्लाई होगा, मैक्सिमम 6 डिजिट ओनली, ठीक है। कितना आना चाहिए बच्चों, मैक्सिमम 6 डिजिट होगा तभी वो फॉलो होगा, अदरवाइज वो फॉलो नहीं होगा, इस चीज का याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6 डिजिट है, मतलब यहाँ हमारा फॉर्मूला वो लगेगा। तो चलो नंबर क्या है हमारा, नंबर है आपका 25, 00, 47, ठीक है। तो लास्ट वाला डिजिट देखते हैं, तो लास्ट वाला डिजिट क्या बच्चों, 7, ठीक है। अब 1 से 10 के स्क्वायर में देखा, क्यूब में देखा जाए तो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27। तो देखो 7 किस में आ गया, 3 के टेबल में 27 आ रहा है, हमारा 3 के टेबल में 27 आ रहा है, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा बच्चों इसका, यूनिट डिजिट उसका 3 हो गया। अब क्या करते हैं सर, उसके बाद 3 डिजिट को छोड़ देते हैं, लास्ट से 3 डिजिट को हमने छोड़ दिया, तो 7, 0, 7, 4 और 0 छोड़ दिया, बचा कितना सर 250। अब 250 बचा, तो देखो आगे देखो उसमें 4 का क्यूब देखते हैं तो ये कितना आता है, 4 64, और इसके बाद 5 का क्यूब देखते हैं तो 125, 6 का क्यूब देखते हैं तो ये आता है 216, ठीक है। फिर 7 का क्यूब देखते हैं तो ये आता है 343। अब देखो, अब हम चेक करते हैं कि ये जो 250 है इसके जो वैल्यू है वो किससे कम है, तो ये किससे कम है, 343 से क्या है, कम है, मतलब कितना है 216 से ज़्यादा है। तो हमें क्या करना होता है, हमें ये चेक करना होता है कि ऐसे नंबर हमें फाइंड करना होता है जिसका क्यूब जो है 250 से लेस हो लेकिन 250 से अधिक नहीं हो। तो 250 से क्यूब किसका लेस है, 6 का, तो ये 63 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी इसी नंबर को हम सिंपली यहाँ लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 63 इंटू 63। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, 3 टाइम है तो 63 इसका आंसर आ जाएगा, बस सॉल्व हो गया। इसी के अकॉर्डिंग इसका चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे देखो इसका सेकंड वाला कुछ पार्ट देख लेते हैं, क्या गिवन है, 11, 0, 592, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो बच्चों कितने हैं, 336, 6 डिजिट है, ठीक है। अब देखो जिनके 6 डिजिट नहीं होंगे, 7 डिजिट होंगे, आप उन्हें वही प्राइम फैक्टर मेथड से करोगे। इसको जल्दी से करते हैं, तो देखो लास्ट में कितना है 2, और लास्ट में 2 देखो ऊपर से नीचे तक कहीं आ रहा नहीं, लेकिन अगर 8 का क्यूब करोगे तो 512 आएगा। बोलो सर लास्ट में यूनिट डिजिट 2 आया कि नहीं आया, हाँ सर आया, तो लास्ट में 2 यूनिट डिजिट है तो उसका भी यूनिट डिजिट कितना होगा सर, 8 हो जाएगा। फिर 3 डिजिट को क्या करना है आपको, छोड़ देना है, कितना है सर 110, तो 110 देखो किससे छोटा है, 125 से छोटा है, तो कितना है 64, मतलब किसका होगा, 4 का होगा। तो यानी अगर इस नंबर की बात करें, क्यूब रूट ऑफ 110592, ये किसके इक्वल है बच्चों, तो ये इसको इक्वल है 48 के, ठीक है। समझ में आई बात, बहुत इजी क्वेश्चन था, हमने इसको बहुत आराम से कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। तो बच्चों बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहां भी क्या करना है आपको, क्यूब रूट ही निकालना है। देखो 8 का फर्स्ट देख लेते हैं क्या है, 3 होल 920 अपॉन 13,
3 1। ठीक है, नीचे वाला तो हमें पता चल रहा है कि सर नीचे वाला जो क्यूब है वो किसका है, सर वो तो 11 का है, ये तो आपको इजीली दिख रहा है। लेकिन बच्चे ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला किसी का क्यूब है तो नहीं बच्चे आप बता नहीं सकते सर ऊपर वाला किसी का क्यूब है कि नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चे हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 1331 प्लस 920 अपॉन 1331। ठीक है बच्चों, इतना करने के बाद इसका मल्टीप्लाई करो, तो बच्चों इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 1 3 3 3 9 3 3 9 और 3 1 3 और प्लस 920 आ जाएगा और ये 1331 हो गया। अब बच्चों इसको देखें तो इसको ऐड करेंगे तो 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, 1 कैरी हो गया, 9 और में 9 ऐड करेंगे तो कितना 18 हो जाएगा, 119 का 9 कैरी 1 हो गया। ठीक है, ये 3 तक हो गया, ठीक है 3 और ये 4 हो जाएगा अपॉन 1331। अब इसका क्या करना है बच्चों, आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। चलो बच्चों अब हमने नंबर देखा कि सर 4913 है, तो अब देखो ये तो हमें पता है कि सर ये 17 का क्यूब है, लेकिन हमें इसे सॉल्व करना है, देखो कैसे करेंगे। तो लास्ट यूनिट डिजिट देखो बच्चों, यूनिट डिजिट इसका 3 है, तो यूनिट डिजिट किसका 3 आ रहा है बच्चों, यहां पे यूनिट डिजिट 3 आ रहा है मतलब 7 का, तो एक नंबर तो यहां पे क्या हो जाएगा 7। अब क्या करना है आपको 3 डिजिट छोड़ देना है, यानी ये 3 डिजिट क्या करना है आपको छोड़ देना है, बचा क्या बच्चों 4, और 4 देखो कहां पे आएगा, ये 2 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा तो मतलब 1 आएगा, तो मतलब 17 हो गया। और बच्चों 1331 हम जानते हैं किसका 11 का है, तो ये आपका आंसर आ गया 17/11। अगर इसमें आंसर नहीं होगा, होल में आंसर गिवन होगा तो 11 से डिवाइड कर देना, तो 11 × 11 कितना बचा 6/11, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, 8 भी सॉल्व हो गया। अब इसी अकॉर्डिंग बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं आप उसको सॉल्व कीजिए। चलिए तो बात करते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, चीजें बहुत इजी हैं, नहीं आएगा तो फिर से बताएगा, फिर से उसको सॉल्व किया जाएगा, बट चीजें क्या है इजी है, बहुत टफ नहीं है, सॉल्व कीजिए प्रैक्टिस कीजिए आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में एक नंबर बहुत बड़ा है, मैं उसको ले लेता हूँ, 9 का थर्ड देखिए बहुत बड़ा है, क्या कह रहा है 0.3 टाइम तो 0 है 1 2 3, उसके बाद क्या कह रहा है 88 47 36। ठीक है चलो अब देखो क्या करना है, पहले तो इसे आप एक ऐसे नंबर में कर लो जहां डेसिमल ना हो, यानी आपको एक रेशनल नंबर में करना है इसे। तो बच्चों रेशनल नंबर में करने के लिए क्या करेंगे, जो नंबर गिवन है आप उसे लिख लो। तो चलिए सर जो नंबर गिवन था हमने उसको लिख लिया, उसके बाद बच्चों क्या करोगे, जो डेसिमल है ना डेसिमल के नीचे 1 लिखोगे और उसके बाद काउंट करो कितने नंबर है, तो 1 2 3 और ये 6, टोटल 9 नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो बच्चों 9 नंबर हमारे हो गए। ठीक है अब बात कर लेते हैं जो नंबर ऊपर गिवन है उसके बारे में, देखो 88 47 36 है। ठीक है अब इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, तो बच्चों काहे के लिए जा रहे हो वहां बड़े मेथड में, आप यहीं पे सॉल्व करो इसको ना। तो ये देखो 6 लास्ट डिजिट कितना 6, और 6 कब आता है, ये 6 एक ही कंडीशन में आ सकता है जब वो 6 का क्यूब हो, तो यानी यूनिट डिजिट हमें मिल गया, क्या मिल गया हमें 6 मिल गया यूनिट डिजिट। चलो अब क्या करते हैं, तो अब बच्चों हम लास्ट के 3 डिजिट को छोड़ देते हैं, चलिए सर हमने लास्ट के 3 डिजिट को छोड़ दिया। अब देखो यहां तो 512 भी आ रहा है, तो अगर 9 का क्यूब करें तो 729 आता है। ठीक है 729 आता है, 10 का क्यूब करें बच्चों, अगर 10 का क्यूब करें तो ये आता है 1000 आता है। तो अब देखो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर देखना है जिसका क्यूब किया जाए, यानी एक ऐसा नंबर देखना है जिसका क्यूब किया जाए तो वो 848 से 884 से क्या हो, लेस हो अधिक ना हो। ठीक है तो 884 से लेस क्या होगा, ये 9 एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पे हमें 884 से लेस आएगा न कि अधिक आएगा, क्योंकि 9 के बाद 10 आता है, 10 करेंगे तो 1000 हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो बच्चों क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 99। तो इट मींस क्या हो गया, ये 96 का क्यूब है, तो अगर इसका क्यूब रूट हम निकाले बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 96 अपॉन, अब नीचे देखो क्या हो रहा है, नीचे क्या चीजें हो रही हैं हम इसे देख लेते हैं। देखिए तो नीचे देखो बच्चों कितने 9 टाइम 0 है
तो ये क्या हो जाएगा, 100 100 और 100 का पेयर बनेगा। अब इन्हें हम अगर रूट से बाहर निकाले तो 96 अपॉन 100 आएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे 100 ही आएगा ना, 1 2, ठीक है 1 2, ठीक है 1 2, नहीं नहीं 1000 1000 होगा, ठीक है 1000 1000 होगा बच्चों। तो कितना आ गया 1000। अब इसको डिवाइड करो तो 0.096 आपका ये आंसर आ गया, ठीक है ना इजी। बहुत इजी क्वेश्चन था, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं कि सर कैसे हो गया कैसे नहीं हुआ, ठीक। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका फिनिश हो गया, बाकी क्वेश्चन छोटे हुए आप कर लोगे इसको इजी से। तो चलिए बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 10 की। ओके तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, व्हाट विल द एज ऑफ अ सॉलिड मेटालिक क्यूब फ्रॉम मेल्टिंग ऑफ व्हिच थ्री सॉलिड क्यूब्स एज ऑफ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर कैन बी कॉस्ट। देखो है क्या चीज यहाँ पे, क्वेश्चन समझना। ये कह रहा है आपके पास 3 क्यूब है, ठीक है आपके पास क्या है 3 क्यूब है। चलो ये 1 क्यूब हो गया, ये 2 क्यूब हो गया, ये मान लो 3 हो गया, ये 4 हो गया, एक है आपका 5 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है ये 3 सेंटीमीटर क्यूब है, ये 4 है और ये 5 सेंटीमीटर का क्यूब है। अब क्या किया जाए बच्चों, इन सबको मेल्ट किया जा रहा है, यानी मान लो एक बड़े से यहाँ पे सबको क्या किया जा रहा है, मेल्ट किया जा रहा है। मेल्ट करने के बाद जब ये सब मेल्ट हो जा रहे हैं ना, जब ये सब सबके सब क्या हो जा रहे हैं, मेल्ट हो जा रहे हैं, तो उसके बाद एक बड़ा सा क्यूब बनाया जा रहा है, ठीक है एक बड़ा सा क्यूब बनाया जा रहा है। और हमें फिर बताना है ये जो क्यूब है इसका साइड क्या होगा, ठीक है तो ये जो क्यूब बना बच्चों इसका साइड क्या होगा। तो मेरी बात समझना एक बात को, तो ये सब सारे जो मेटल से ये जो था क्यूब, ये क्यूब था और ये क्यूब था, इसी को तो मेल्ट करके फिर ये क्यूब बनाया गया है। तो इसमें देखो बेटा क्या चेंज नहीं होगा, एक चीज तो चेंज होगा कि सर इसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है इसका भी शेप चेंज हुआ सर, इसका भी शेप चेंज हुआ, इसका भी शेप चेंज हुआ, ठीक है। तो बेटा सर हमने देखा क्या देखा कि सर सबका शेप चेंज हो रहा है, ठीक है तो शेप तो चेंज हुआ, लेकिन एक बात मुझे बताओ, अगर आपके पास 100 ग्राम गोल्ड है, ठीक है आपके पास कितना है 100 ग्राम गोल्ड है और उसको आपने मेल्ट किया, तो वो 100 ग्राम ही तो रहेगा, ऐसा तो नहीं कि 100 ग्राम गोल्ड था मेल्ट किया तो 80 ग्राम हो गया, ऐसा नहीं है, वो उतना ही रहेगा। मैं 24 कैरेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है मैं 24 कैरेट की बात कर रहा हूँ, तो गोल्ड आपको उतना ही रह जाएगा। हाँ अभी अब एक चीज देखो, यहाँ अच्छी चीज याद है कि मैं आपको बता दूं, जो आप लोग के कहने बनते हैं, ठीक है जो बल्स यूज करती हैं, जो आपकी माता जी फादर जी यूज करते हैं, ठीक है वो या तो देखो क्या होता है 18 कैरेट से 20 कैरेट का होता है, कभी भी 24 कैरेट का ज्वेलरी नहीं बन सकती, क्योंकि 24 कैरेट का गोल्ड का मतलब क्या हो गया, वो इतना नाजुक होता है कि बड़े आराम से हाथ से दबा दो दब जाएगा, ठीक है आप अपने इयररिंग वगैरह को या फिर नोज रिंग को दबाइए नहीं दबेगा वो, ठीक है तो वो 18 से 20 कैरेट का होता है। तो ये बात समझ में आई, चलिए समझ में आ गई होगी। तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है, क्या नहीं चेंज हो रहा है, वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है। तो वैल्यू अगर नहीं चेंज हो रहा है तो हम एक बात कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा क्यूब होगा उसका जो वैल्यू होगा लेस जो 3 वैल्यू के सम के इक्वल होगा, डेफिनेटली सी बात। चलो हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ 3 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 3 का क्यूब और ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया बच्चों 27 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर है ना, हाँ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब अगला फाइंड कर लेते हैं, तो वैल्यूम ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 4 का क्यूब हो जाएगा, नाउ दिस विल बी 64 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट वैल्यूम ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब is equal to 5 cube, now 125 cm³। अब देखो क्या किया जा रहा है, अब मेल्ट करके एक नया क्यूब बनाया जा रहा है, तो यहां पे लिखेंगे वैल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, वैल्यूम ऑफ न्यू क्यूब is equal to क्या हो जाएगा, तीनों का सम हो जाएगा, तो हम सीधे इसको लिखते हैं 27 + 64 + 125।
तो मान लेते हैं कि इसकी साइड वन है तो ए है, तो इसकी क्या हो जाएगा ए क्यूब स्क्वायर टू, ये सारे ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों देखो 5, 4, 9, 7, 16 का 6 कैरी 1, 2, 6, 8, 8, 2, 10, 1, 11 और 1 और 2, 216। तो ए की बात करें बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 216। तो ए की बात करें बच्चों तो ये किसका है, तो सर ये 6 सेंटीमीटर का क्यूब है। तो यहाँ से आपका ए की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी हम कह सकते हैं कि सर जो हम यूज करेंगे जो नया वैल्यू बनेगा, जो हमारा नया क्यूब बनेगा उसका जो वैल्यू होगा वो सबके सबके इक्वल होगा। और उसके अगर एक साइड की बात करें तो एक साइड उसका कितना आएगा 6 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, चलिए तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो देखिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इस पार्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या हो, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़े। तो 14 तक हम लोग इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे, अगले चैप्टर में अगले 5 क्वेश्चन को। ठीक है, देखो बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देखो, इन अ ट्रंक चॉक बॉक्स आर अरेंज इन अ क्यूबिक फॉर्म, यानी एक ट्रंक में, ठीक है ट्रंक है, ठीक है उसमें चॉक को अरेंज किया जा रहा है क्यूबिक फॉर्म में। इफ द नंबर ऑफ टोटल चॉक बॉक्स इज 21952, तो हम लिख लेते हैं टोटल चॉक बॉक्स इक्वल टू, कितना दिया था बच्चों 21952, 21952, ओके टोटल चॉक बॉक्स कितना है 21952। नाउ आफ्टर दैट व्हाट इज सेइंग दैट इज सेइंग दैट हाउ मेनी लेयर ऑफ चॉक बॉक्स आर प्रेजेंट इन ट्रक। तो देखो अगर लेयर की बात करें, देखो लेयर की बात करें तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर ये मान लो एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसमें चॉक को रखा जा रहा है, तो चॉक ऐसे भी रखा जाएगा, ऐसे भी रखा जाएगा, ठीक है और ऐसे भी रखा जाएगा, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों के अकॉर्डिंग में रखा जाएगा। ठीक है, तो यानी मान लो इसको ऐसे करो, लेंथ ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया। ठीक है, तो तीनों चीजों में रखा जा रहा है इसको। तो अगर क्यूबिकल है तो सारे साइड क्या होंगे इक्वल इक्वल होंगे, सारे सारे साइड क्या होंगे इक्वल इक्वल होंगे। तो हम इसके साइड को मान लेते हैं सर ये साइड होगा ए ए और ए होगा। तो अगर लेयर की बात करें बच्चों तो टोटल नंबर ऑफ लेयर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसके क्यूब के। तो यहां पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ लेयर, नंबर ऑफ लेयर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 21952, ये क्यूब रूट होगा। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 21952 हो गया। अब देखो बच्चों इतना हो गया, ठीक है तो अब देखो इसका क्यूब रूट निकालो। तो नंबर देखो बच्चों कितना है 21952 एक नंबर है, तो व्हाट इज द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट 2 एंड 2 कम ओनली व्हेन द नंबर इज 8। देखो 2 कब आता है, जब नंबर आपका 8 होता है, तो 8 का क्यूब करेंगे तो 512, तो लास्ट डिजिट कितना आ गया बच्चों 8 आ गया हमारा, यानी हमें क्या मिल गया, तो सर हमें यूनिट डिजिट मिल गया। नाउ लेफ्ट द 3 डिजिट, अब क्या करना है स्टेप के लास्ट के 3 डिजिट को हम क्या करते हैं छोड़ दें। ठीक है सर छोड़ दिया, बचा कितना सर 21, तो 21 कब आएगा, देखो बच्चों जब 2 होगा तब 8 आ जाएगा और 3 होगा तो 27 आ जाएगा, मतलब 21 से क्या हो गया अधिक हो गया। और हर केस में वी हैव टू कंसीडर द वैल्यू ऑफ हियर लेस देन दिस वैल्यू, ठीक है जो वैल्यू गिवन होता है उससे लेस वैल्यू हमें चाहिए होती है। नाउ वी विल टेक हियर एज 2, सो दिस इज अ क्यूब रूट ऑफ 28, सो जस्ट राइट हियर 28 into 28 क्यूब रूट ऑफ दिस एंड दिस यू विल गेट 28 एज अ लेयर। सो इफ ही आस्किंग अबाउट द हाउ मेनी लेयर्स, तो नंबर ऑफ लेयर्स इज इक्वल टू 28, जस्ट राइट हियर नंबर्स ऑफ लेयर इज इक्वल टू 28, दिस इज योर आंसर। नाउ जस्ट सॉल्व इट, लेट मी फिल द इंक अगेन बिकॉज इट्स फिनिश। तब तक आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लोग फिर से मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कह सकते हैं सर यहाँ पे डाउट है, ये समझ नहीं आया, तो मैं फिर से आप लोग वो चीजें समझा दूंगा। ठीक है, एजिटेशन नहीं होना कि सर नहीं पूछ सकते हैं, आपका जो भी डाउट है जेन्युइन डाउट है तो ही पूछिएगा, फालतू के क्वेश्चन नहीं।
ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये चैप्टर कह सकते हैं बहुत इजी है, हद से भी ज्यादा इजी है, क्योंकि चीजें बहुत आसानी से इसमें सॉल्व हो जाती है, बहुत टफ नहीं है चैप्टर। ठीक है, चीजें समझना सॉल्व करना बहुत इजी है इसमें। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12 लेते हैं। तो एक दो क्वेश्चन और बचे हुए एक्सरसाइज के। चलो बच्चों, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। अगर बच्चों बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो कह रहा है द मेजरमेंट ऑफ अ सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। यानी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है हमारे पास, चलो देखो, ठीक है। अब इसमें तीन यूनिट की बेन है, यानी रेक्टेंगुलर बॉक्स तो है, यानी क्यूबिकल बॉक्स है। थोड़ा लिखा गलत है, ये क्या होना चाहिए, क्यूबिकल बॉक्स होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है बच्चों रेक्टेंगल में केवल दो साइड होता है, लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, ठीक है। और जब इसमें हाइट इंक्लूड हो जाती है तो रेक्टेंगल नहीं होता, ये क्या हो जाता है, क्यूबॉइड हो जाता है, ठीक है बच्चों, ये चीज याद रखिएगा। तो ये क्या है, क्यूबिकल बॉक्स है। क्वेश्चन रॉन्ग है, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना इसको, क्यूबिकल बॉक्स है। अब इसमें मेजरमेंट गिवन है, क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर, मतलब मान लो ये लेंथ हो गया 10 सेंटीमीटर, ये हाइट हो गया बच्चों 4 सेंटीमीटर, और ये ब्रेथ हो गया, चलिए ये ब्रेथ हो जाएगा आपका कितना हो गया 1.6 सेंटीमीटर। चलिए लेंथ हाइट और ब्रेथ गिवन है, तो मेजरमेंट ऑफ क्यूब यहां पे लिख लेते हैं। मेजरमेंट कितना बच्चों, मेजरमेंट है 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 1.6 सेंटीमीटर। तो अगर इसका वैल्यू फाइंड करें तो वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, इसका वैल्यू देखो बच्चों, वैल्यू इज इक्वल टू 10 इंटू 4 इंटू 1.6, देखो कैसे है, 16 4 कितना होता है 64 हो जाएगा, देखो 16 4 कितना होगा 64 हो जाएगा, ठीक है। क्यों मैंने 4 से किया, ठीक है, उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई, ये 6.4 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 64, ठीक है। तो वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 64 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है सर। अब कह रहा है कि ओके कहाँ गया, ओके ये रहा, बाय मेल्टिंग अनदर सॉलिड क्यूब क्यूबिकल ब्लॉक इज ऑब्टेंड, इसको मेल्ट करके एक सॉलिड क्यूबिकल बॉक्स बनाया गया, व्हाट विल द मेजरमेंट ऑफ अ सॉलिड ऑफ न्यू ब्लॉक, तो न्यू ब्लॉक का मेजरमेंट क्या होगा। तो मेजरमेंट ऑफ अ न्यू ब्लॉक लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ न्यू ब्लॉक इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, देखो मेजरमेंट हमें न्यू ब्लॉक का करना है, तो मतलब न्यू ब्लॉक जो होगा बच्चों, देखो जो क्यूबॉइड होता है, ठीक है, अब उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होती है, सब इक्वल होती है, सॉरी क्यूब जो होता है उसका लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होता है, सब इक्वल होता है, मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इंटू ए, यही होगा। इट मीन्स मैं इसको सिंपली बोल सकता हूँ ए क्यूब होगा, होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। और बच्चों इसी को मेल्ट करके क्यूब बनाया जा रहा है, इसी को मेल्ट करके क्या बनाया जा रहा है सर, इसी को मेल्ट करके एक क्यूब बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसी को मेल्ट किया है, क्यूब बनाया, तो इसका जो टोटल वैल्यू था, वैल्यू तो इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये देयरफॉर ए क्यूब इज इक्वल टू 64, सो ए इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64, एंड दिस विल बी, यू विल गेट व्हाट, ए इज इक्वल टू 4, बिकॉज 64 इज अ क्यूब रूट ऑफ 4, ओके, यू गेट इट, आई थिंक यू गेट इट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12 फिनिश हुआ, चीजें समझ में आई तो जल्दी से बता दीजिएगा यहां से समझ में आके। चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दिया करिए आप लोग, व्यू तो बहुत आते हैं बट लाइक नहीं आते, ठीक है, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, द एज ऑफ टू सॉलिड मेटालिक क्यूब आर 9 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों देखो यहां पे क्या है, दो क्यूब है, यहां पे क्या है बच्चों, हमारे पास दो क्यूब है, एक क्यूब तो ये रहा और एक क्यूब हमारा, मैं और बना लेता हूं, ये रहा, ठीक है। कह रहा है दो क्यूब है,
एक जो है 9 सेंटीमीटर इसका साइड है और इसका 10 सेंटीमीटर साइड है, 10 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है आगे बच्चों, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ऑन मेल्टिंग देम, अब इनको मेल्ट कर दिया गया। चलो फिर से एक बड़े से बर्तन में डाल के क्या किया गया, इनको मेल्ट कर दिया गया, इनको क्या किया बच्चों, मेल्ट कर दिया गया। मेल्ट करने के बाद अब देखो मेल्ट कर लिया, अब इस क्या किया जरा, ओके रिमूव द मास ऑफ मेल्टिंग मटेरियल्स इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो जितना आया ना इसमें से क्या किया गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब को क्या किया गया, माइनस कर दिया गया, जितना इसका टोटल है उससे 1 सेंटीमीटर क्या किया, माइनस कर दिया। ओके नाउ न्यू क्यूब फ्रॉम द रिमेनिंग मास फाइंड द क्यूब ऑफ द ओके कोर ऑफ द दिस क्यूब। तो अब इसके बाद ये माइनस करने के बाद एक नया क्या बनाया गया सर, एक नया क्यूब बनाया गया। तो अब इस क्यूब का हमें कोर बताना है, कोर मतलब ये जो साइड है वो कितना होगा ये हमें बताना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो पहली बात हम 9 का क्या, देखो क्या हो रहा है, 9 सेंटीमीटर का क्यूब है, एक 10 सेंटीमीटर क्यूब है, दोनों को मेल्ट किया गया। तो बच्चों इसका जो फिर से वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो क्या चेंज नहीं होगा, तो सर इसका जो एरिया है वो चेंज, सॉरी इसका जो वैल्यूम है वो चेंज नहीं होगा, वैल्यूम क्या होगा सेम होगा। ठीक है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं वैल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, वैल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब इक्वल टू 9 क्यूब, सो दिस विल बी 729 सेंटीमीटर क्यूब, है कि नहीं बच्चों, क्योंकि 9 का क्यूब कितना 729 होता है, हमने ऑलरेडी देख रखा है। दूसरी बात कह रहा है कि वैल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब, सो व्हाट 10 क्यूब हो जाएगा, इट मींस 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, इसको मेल्ट किया जा रहा है, ठीक है, आफ्टर मेल्टिंग, After melting both cube, volume of new cube is equal to what? देखो क्या हुआ, melt किया गया इसको और मैं इसको erase कर दे रहा हूं, इसको भी melt किया गया और ये जो पूरी यूनिट थी उसमें से 1 माइनस कर दिया गया, उसके बाद तो नया क्यूब बनाया गया ना, ये तो कह रहा है कि दोनों को ऐड कर दिया, मेल्ट कर दिया, उसके बाद 1 सेंटीमीटर पूरे मास से माइनस कर दिया। तो देखो बच्चों ये क्या बचेगा, ये तो हो गया सर 1729, 1 माइनस करेंगे तो 1728 आ गया। अब जिन बच्चों को याद होगा तो वो तो बड़े आसानी से कर लेंगे, जिनको नहीं याद होगा उनको परेशानी होगी, देखो कैसे। तो सर नया ये आ गया, हमें पूछ रहे सर कोर बता दो, तो हम मान लेते हैं कि a क्यूब के इक्वल है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1728। अब बच्चों ये किसका है, तो बच्चों ये 12 का क्यूब है, ठीक है, ये किसका क्यूब है बच्चों, तो सर ये 12 का क्यूब है, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, यानी सर कोर कितना होगा, कोर ऑफ न्यू क्यूब स्क्वायर टू 12 सेंटीमीटर। बात समझ में आई बच्चों, तो जो नया कोर जो नया होगा उसका जो कोर होगा वो कितना होगा 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, चीज समझ में आई, चलिए बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम न्यू टॉपिक न्यू पार्ट में लेकर आएंगे, पार्ट 3 में इसके रिमेनिंग 5 क्वेश्चन को। ओके तो बच्चों क्वेश्चन 14 देखो क्या है, क्वेश्चन 14 आप देखो क्या है, क्वेश्चन 14 कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी डिवाइडेड टू 96 31 44 सो दैट द क्वेश्चन बिकम अ परफेक्ट क्यूब। यानी हमें वो नंबर फाइंड करना है जो इस नंबर से क्या क्या अगर डिवाइड कर दिया जाए तो वो नंबर क्या हो जाए, परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, देखो क्या करना है, पहले तो नंबर लिख लो, तो व्हाट इज नंबर, नंबर इज दैट 96 31 44। ये देखो बच्चों अभी किसी का ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, हमें इसे परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी डिवाइडेड, ठीक है, मस्ट बी डिवाइडेड
यानी इस नंबर से वो हमें छोटे छोटे डिजिट बतानी है जो इसमें से डिवाइड किया जाए तो ये क्या हो जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसके लिए क्या करेंगे आप, इसका राउंड डिवीजन मेथड से फैक्टर कर दो। तो 96, 31, 44। अब देखो बच्चों लास्ट में 4 है तो डेफिनेटली डिवाइड किससे होगा, 2 से। चलिए 2 4 8, 1 गया इसके पास 16 हो गया, 2 8 16, ये 2 1 2, 1 गया इसके पास 11 हो गया, 2 5 10, 1 इसके पास 42 7 14 और 2 2 4 हो गया। ठीक है बच्चों आगे देखो, ये हो जाएगा 2 2 4, 2 4 8, अब देखो 1 है तो जाएगा नहीं, तो 0 कर देंगे तो 15 हो जाएगा, 2 7 14, और ये होगा 2 8 16 और 2 6 12, अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 1 2, 2 2 4, 0, 2 3 6, 2 9 18, 2 3 6। अभी 2 से तो हो गया, अब देखो 3 से डिवाइड होगा, 3 से कैसे डिवाइड होगा देखो, 3 4 12, ये 0 आ गया, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, अभी नंबर आया। चलो देखो क्या फिर से 3 से डिवाइड होता है, देखो ट्राई करते हैं, हो जाना चाहिए 4 3 7 2 9, हो जाना चाहिए देखो 3 1 3, अभी हाँ इसके पास 1 गया, हो गया कितना 10 हो गया, तो 3 3 9, 1 इसके पास गया 11 हो गया, 3 3 9, 2 इसके पास 23 हो गया, 3 7 21, 3 7 21। अभी भी क्या होगा, यस डेफिनेटली 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि देखो 7 7 14 हो गया, 14 3 17 हो गया, 17 3 20 हो गया, 21, तो 3 से डिवाइड होगा, तो 3 4 12 हो गया, 1 इसके बाद 13 हो गया, 3 4 12 हो गया, 1 इसके बाद 27 हो गया, 3 8 कितना हो गया 24, और 17 है ना, सॉरी 3 4 12 हो गया, 1 इसके पास क्या 13 हो गया, 3 4 12, 1 इसके पास क्या 17 हो गया, अब 3 5 15 हो गया, 2 इसके पास 27 है, 3 9 27 हो गया। चलो बच्चों इतना सही है, अब देखो फिर से 3 से डिवाइड करो, होगा क्या डिवाइड, चलो चेक करते हैं, तो 3 1 3 हो गया, 1 इसके पास गया कितना हो गया 14 हो गया, 3 4 12 हो गया, अब बच्चों यहाँ 2 बचा इसके पास गया 25 हो गया, 3 8 25 हो गया, 3 8 24 हो गया, 1 बचा 19 हो गया, तो यानी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर ये किससे होगा, सर ये 4 7 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में 9 है तो हमेशा ये ऑड नंबर से ही डिवाइड होगा। ठीक है तो 7 से देखा जाए, तो देखो बच्चों 7 6 42 हो गया, बचा कितना 2 बचा 25 हो गया, 7 3 21 हो गया, बचा कितना 4 बचा 49 हो गया, और 7 7 49 हो गया। ठीक है सर 7 से डिवाइड हो रहा है, अब फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 9 63, 7 1 7। ठीक है सर अभी फिर 7 से डिवाइड होगा तो ये 13 टाइम्स आएगा। अरे देखो 13 किसी नंबर से नहीं डिवाइड होगा, कल 13 से डिवाइड होगा, केवल 1 बच रहा है। तो यहाँ देखो बच्चों अगर इसका मैं क्यूब रूट फाइंड करूँ तो क्या आएगा, देखो 3 टाइम्स 2 आ गया, इंटू 3 टाइम्स 3 आ गया, और 3 टाइम्स 7 आ गया, और 1 टाइम जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो 13 आ रहा है। तो बच्चों देखो यहां पे क्या होगा, हम देखें तो इसका पेयर तो हमें बाहर आ रहा है 2 आ जाएगा, इसका भी पेयर हमें बाहर आ रहा है 3 आ जाएगा, इसका भी पेयर हमें बाहर आ रहा है 7 आ जाएगा, बट इसका पेयर आ रहा है क्या, नहीं। तो कह रहा है कि देखो अब एक्स्ट्रा क्या बचा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा बचा 13 बचा, क्या बचा एक्स्ट्रा 13 बचा। तो अब यहीं से 2 क्वेश्चन बनेंगे, यहीं से क्वेश्चन क्या देगा कि व्हाट नंबर मस्ट बी डिवाइडेड। तो अगर पूछ रहा है कि व्हाट नंबर मस्ट बी डिवाइडेड, तो जिसका पेयर नहीं बना वही हम डिवाइड कर देंगे, तो नंबर मस्ट बी डिवाइडेड द नंबर मस्ट बी डिवाइडेड to become perfect cube is equal to 13. 13 को डिवाइड करते हैं, अगर 13 को डिवाइड करते हैं तो देखो अब 13 यहाँ पे है ही नहीं, तो 13 को डिवाइड करते हैं, 13 जब है ही नहीं तो ये परफेक्ट क्यूब हमारा आ गया। ठीक है बट यहाँ पे 13 है, और यहीं से दूसरा क्वेश्चन बनेगा, व्हाट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू बिकम अ परफेक्ट क्यूब। तो जिसका पेयर नहीं बनेगा उसी में उसका उसको पेयर बना के कर देंगे। तो देखो बेटा एक बार 13 है, हमें 2 टाइम और 13 चाहिए इसको क्या करने के लिए, हमें इसको स्क्वायर क्यूब रूट बनाने के लिए 2 टाइम और 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों,
तो अगले जो 14-15 क्वेश्चन है वो इसी अकॉर्डिंग है। तो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी, और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए साइन आउट।